हेलो फ्रेंड्स, पता है अब गर्मी आ गई है तो दिन में बहुत मन करता है कुछ मीठा खाने का। और बाहर की चीनी और मैदे से अच्छा है कि घर में ही मैंने आटे के लड्डू बनाए हैं। इसके लिए कुछ नहीं, बस जो घर के सामान होते हैं, आटा और इसे मैंने गुड़ से बनाया है। मैंने इसमें चीनी यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए, मैंने तोड़ के भी दिखाया है कितने खुश्क लड्डू बने हैं ये। इसके लिए सिर्फ मैंने एक कटोरी आटे को अच्छे से मैंने भून लिया था। जब आटे का कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगती है, बस हमें उतना ही भूनना है। बहुत धीमी आंच पर हमें इसको भूनना है। ज़रा सी भी इसकी जो फ्लेम होती है गैस की, अगर तेज हो जाती है तो फिर वही होता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तुरंत ही आटा ब्राउन होने लगता है, डार्क। तो हमें इसका बहुत ख्याल रखना है। घर के बने आटे के लड्डू वैसे भी आपको नुकसान नहीं करेंगे, और आजकल कुछ अच्छा भी लगता है खाना खाने के बाद। दिन में बहुत धूप जब होती है, दिन में जब पानी पीने का मन करता है, तब मन करता है कुछ मीठा खा लें। तो ये सब घर के बनी जो मिठाइयाँ होती हैं वो आपको नुकसान भी नहीं करती और हेल्दी होती है। कम से कम सामान में बनाइए। आटा भूनने के टाइम मैंने घी का यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने बिना घी के ही इसको पूरा रोस्ट किया था। आटा हो गया है, अब मैं यहाँ पे गुड़ की चाशनी बना रही हूँ। एक कटोरी आटा लिया था, तो एक कटोरी पानी में हम यहाँ आधी कटोरी गुड़ का यूज़ करेंगे। और हमें इस गुड़ को इस पानी में खूब पकाना है, कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको अच्छे से पकाना है। और इसको पकाते टाइम में मैंने इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला था। मैं अपने वीडियो में डाला था, बनाया था, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं वीडियो पहले बना लेती हूँ, बाद में मैं उसका वॉइस ओवर करती हूँ। और ये लड्डू मैंने कल बनाए थे, आज मैं इसको अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, इसलिए मैं बोलते बोलते था था करने लगती हूँ। आप चीनी का भी बना सकते हैं लड्डू, लेकिन मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि गुड़ मुझे ज़्यादा सही लगता है गर्मी में। बस यहाँ पर इसको खूब पकाना है अच्छे से। मैंने इलायची पाउडर डाला है, पाउडर क्या, मैंने कूट कर डाला है। आप इलायची पाउडर उसमें आटे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसी में डालकर पका लिया था। मेरे कुछ कुछ वीडियो ब्लर हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं मोबाइल को ऊपर सेट करती हूँ अलमारी पे ही रख कर, और नीचे अपना गैस पे पकाती रहती हूँ, तो उससे कहीं कहीं वीडियो मेरा ब्लर हो जाता है। ये देखिए, अच्छे से पक गया है इसका पानी और गुड़ आपस में। अब इसको हम छान लेंगे छन्नी से, क्योंकि गुड़ में कहीं कहीं हल्का फुल्का कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, तो यहाँ इसको हम अच्छे से छान कर हटा लेंगे। ये तो इलायची के टुकड़े निकल रहे हैं मैंने जो डाले थे। ये मैंने रोस्टेड सेमोलिना लिया है, और ये पीनट्स हैं, नारियल है, सूजी को मैंने पहले ही भून कर रख लिया था, और मूंगफली के दाने को भून कर बिना ऑयल में आपको भूनना है उसे। और थोड़े से काजू भून लीजिएगा उनको, फिर अच्छे से मूंगफली दाने का छिलका हटाकर इन सबको हमें इस आटे में ही मिक्स करना है। मैंने घी का यूज़ अलग से किया था, अब मैंने 4 चम्मच यहाँ पे घी ऐड किया है। आप 4 चम्मच से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कम ही यूज़ किया है। जब तक मैं ये सारा सामान यहाँ मिलाऊंगी, तब तक जो गुड़ का सिरप है वो ठंडा होने लगेगा। ये मैंने यहाँ पे भुनी हुई सूजी मिलाई है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब यहाँ एक एक करके जो नारियल है वो मिलाना है, और मूंगफली, काजू जो मैंने कूट कर, मैंने उनको भून कर कूट लिया था, जो कूटने वाला होता है कुछ भी किसी से, मिक्सी में पीसा नहीं था मैंने, क्योंकि मुझे लड्डू में जो दरदरापन आता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
जो दानेदार लड्डू बनते हैं वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ नारियल को मिक्स कर देंगे। इन सब को मिलाने के बाद जो गुड़ का सिरप हमने बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे आटे की तरह इसको गूंथेंगे। बिल्कुल आटे की तरह डो नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का इसको मिक्स करके मिलाते जाना है। अभी जो गुड़ का सिरप है वो अच्छे से ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन मैं हल्के गर्म में ही मिक्स कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो हल्के से सेट हो जाएं और अच्छे से बने। बस हमें ये ध्यान रखना है कि एक साथ नहीं डालना है सिरप को, वरना अगर ये गीला हो गया तो फिर तो लड्डू नहीं, फिर बर्फी या पेड़ा ही बनाना पड़ेगा। जब मैं इसको मिक्स कर रही थी बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी, मुझे तब गुजिया की याद आ रही थी होली की, क्योंकि गुजिया भी मेरी फेवरेट है। अब ख़त्म हो गई है, अब तो ख़त्म हो ही जाएगी, होली भी ख़त्म हो गई है और होली के बाद मुझे बनाने का मन भी नहीं करता। कोई नहीं बनाता होगा होली के बाद गुजिया, क्योंकि इतना टाइम लगता है बनाने में उसको। खाने में जितनी टेस्टी होती लेकिन उतना ही टाइम लेती है वो। हमें थोड़ा सा इसको बाइंडिंग बना के देखना, अगर बाइंडिंग हो रही है यानी कि अच्छे से सब मिक्स हो गया है और लड्डू इसमें बन जाएंगे। एक कटोरी आटे में, एक कटोरी पानी में मैंने आधा कटोरी गुड़ डाला था, जो ढेले वाले गुड़ आते हैं मैंने उनको दो गुड़ लिया था उसमें का, और ये काफ़ी अच्छा रेशियो बन गया था और सब अच्छे से मिक्स भी हो गया था, क्योंकि लड्डू मैंने जब खाए हैं तो खाने बहुत टेस्टी बने हैं, ना तो उसमें गुड़ की कमी है और ना ही वो कच्चापन उसमें आ रहा है। अभी भी थोड़ा सा भुरभुरा है, तो जो बचा हुआ सिरप हम ये भी सारा इसमें ऐड कर देंगे। मैंने सोचा था कहीं ऐसा ना हो बच जाए तो मैं करूँगी क्या इसका सिरप का, लेकिन खैर सारा यूज़ हो गया था। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लड्डू बनाने का प्रोसेस। बनाते बनाते मेरा लड्डू नीचे भी गिर गया था, वो मैंने क्लिप हटा दिए। बस यहाँ पर आपको हलवाई की तरह हाथ चलाने हैं और ऐसे दिखाना है कि आपको बहुत अच्छे से लड्डू बनाना आता है। ये देखिए मैं ऐसे नचा रही हूँ जैसे मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ लड्डू बनाने में लेकिन फिर भी ये आटे के लड्डू बहुत ही टेस्टी बने थे और मैंने कल बनाए थे, कल से मैं दो लड्डू खा चुकी हूँ। बस बनके तैयार हो गए मेरे आटे के लड्डू, ये देखिए। मैंने दानेदार लड्डू बनाए हैं क्योंकि इसमें जो भी काजू और मूंगफली मैंने कूट कर डाली है, क्योंकि मुझे वैसे ही खाने में अच्छा लगता है थोड़ा दानेदार आए मुंह में। तो आप भी बनाइएगा आटे के लड्डू, बहुत ही टेस्टी और अच्छे हैं और हेल्दी भी हैं, कोई नुकसान नहीं करना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।